प्रदेश पुलिस ने तकनीकी सहायता के लिए आईआईटी मंडी के साथ एमओयू किया है। ये जानकारी देते हुए मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि प्रदेश पुलिस और आईआईटी मंडी के मध्य ये सहयोग अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों क्षमता वृद्धि पर आधारित होगा, जिसमें पुलिस अधिकारी आईआईटी संकाय शोधकर्ता और विद्यार्थी शामिल होंगे। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि पुलिस कर्मियों को नई तकनीक अपराध पब्लिक ऑर्डर के क्षेत्रीय अन्य अध्ययन अपराध के ट्रेंड साइबर फॉरेंसिक साइबर सुरक्षा ट्रैफिक मैनेजमेंट ई चालानिंग बीट पेट्रोलिंग खतरा व सुरक्षा अध्ययन की जानकारी दी जाएगी। क्षमता बढ़ाने रिसर्च व विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी पुलिस अधिकारियों व आईटी के रिसर्च सहयोगियों फैकल्टी और अध्ययनरत विद्यार्थियों को लाभ होगा और समय समय पर पुलिस कर्मियों और विद्यार्थियों के बीच संवाद भी कराया जाएगा। इससे पुलिस कर्मियों की जांच में तकनीक का प्रैक्टिकल प्रयोग कर जांच को और बेहतर करने में मदद मिलेगी। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान डीजीपी ने प्रदेश पुलिस द्वारा नशाखोरियों को पकड़ने के लिए किए गए बेहतर प्रयासों की भी सराहना की। कुछ ही दिनों में हमने बड़े हाई क्वालिटी केसेस किए हैं। एक हनी ट्रैप का केस है जिसके बारे में गौरव बताएंगे, और अदरवाइज जो हमारे हमने आज रिव्यू किया, हमारे केसेस में जितने सीरियस केसेस हैं मोस्टली सारे वर्कड आउट हैं। जो नहीं वर्कड आउट हैं उसकी जो बेसिकली रिव्यू डीआईजी साहब करेंगे। साथ ही साथ हमने ये निर्णय लिया है कि 25% से, अगर मान लो 100 केस अगर किसी जिले में है, 25% से ज़्यादा पेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए। 2-3 जिलों में 25% से कम है, 2-3 जिलों में 25% से ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि पेंडेंसी पुलिस के पास कम से कम रहे। स्पेशली क्राइम अगेंस्ट वुमेन चिल्ड्रन, हम चाहते हैं कि 7 दिन में ये इन्वेस्टिगेट होके कोर्ट में चले जाए। इसमें हम कार्यरत हैं, जो जो हमसे होगा वो कर रहे हैं। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि आईआईटी मंडी एक बड़ा अच्छा आईआईटी उभर के आया है, और हमने सितंबर के महीने में समझौता ज्ञापन एमओयू आईआईटी मंडी के साथ किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिन हमारे चीफ गेस्ट थे, माननीय सुरेश भारद्वाज जी और माननीय गोविंद सिंह ठाकुर, दोनों कैबिनेट मिनिस्टर, इनकी प्रेजेंस में, चीफ सेक्रेटरी साहब की प्रेजेंस में। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो क्राइम है, रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट है, नारकोटिक्स है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, इसमें आईआईटी मंडी हमको टेक्निकल सपोर्ट दे ताकि हम इस प्रॉब्लम को समझ सकें और इसका सोल्यूशन ठीक से कर सकें। आज बड़ी अचीवमेंट इस साल रही एनडीपीएस में, मादक पदार्थ में रही, जिसमें हमने माइंडलेस केसेस की जगह क्वालिटी केसेस किए हैं। आप जानते ही है, कुछ दिन पहले मंडी में इन्होंने 337 ग्राम हीरोइन पकड़ी, जो जिसकी वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा है, और एक अंबाला से लड़का पकड़ा, एक फिलौर पंजाब से लड़का पकड़ा गया उसमें। और इन्होंने हमीरपुर एसपी ने भी 2-3 हफ्ते पहले 320 ग्राम हीरोइन पकड़ी गई। पहली बार हाई क्वालिटी और हाई क्वांटिटी में चिट्टा पकड़ा जा रहा है। इसके लिए मैं दोनों एसपीज़ को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनके स्टाफ को भी बहुत बहुत बधाई। अब हम क्वालिटी केसेस कर रहे हैं। इससे पहले एनडीपीएस में एक बड़ा केस कुल्लू में 42 किलो चरस का किया था, और हम इसको लॉजिकल एंड पे ले जा रहे हैं कि ऐसे नहीं, पकड़ के छोड़ना नहीं, इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो। आपने अखबार में पढ़ा होगा, कुछ दिन पहले पुणे में 34 किलो हिमाचल की चरस पकड़ी गई थी और 2 लोग पकड़े गए थे। मैंने डीजीपी महाराष्ट्र सुबोध जायसवाल जी से बात की और उन्होंने तुरंत एक टीम यहाँ भेजने का निर्णय लिया, और टीम शायद आ जाएगी जल्दी। उसके जो बैकवर्ड लिंकेजेस है वो भी हम वर्कआउट कर रहे हैं। उन्होंने जो 2 नाम बताए थे वो लोग भागे हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन है ना, बेसिकली वो हो, बैकवर्ड लिंकेजेस, फॉरवर्ड लिंकेजेस। फॉरवर्ड लिंकेजेस वो कर रहे हैं कि कहाँ जानी थी, गोवा में जानी थी, पुणे में जानी थी, बॉम्बे में जानी थी, न्यूयॉर्क के लिए जानी थी। बैकवर्ड लिंकेजेस है कि कैसे आया, कब आया, कैसे आया,